ढैंचा, पोषक तत्वों का भंडार ये हरी खाद किसान भाइयों के लिए ये वरदान से कम नहीं। जो गेहूँ कटने के बाद और धान लगाने से पहले जो बीज का समय है, उस समय में किसान भाई अपने खेतों में ढैंचा लगाएं, 40 से 45 50 दिनों का जो फसल हो तो ये ढैंचा को ट्रैक्टर से अपने खेतों में अच्छी तरह मिला दें। जिस समय खेतों में मिलाएंगे उस समय खेत में नमी रहना अति आवश्यक है। जो किसान भाई अपने खेतों में सरी हुई गोबर का खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो ढैंचा का हरी खाद अपने खेतों में दें, ये एक अच्छा विकल्प है। यह हरी खाद देसी खाद गोबर के खाद के बराबर है। ये 40 से 45 50 दिनों का जो फसल होता है, यानी कि फ्लावरिंग आने से पहले, ढैंचा में फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावरिंग के समय में पौधे थोड़ा रेशे आने लगते हैं, उससे पहले जब कोमल रहे तो उसके बायोमास यानी कि तने पत्ती और जड़ को आप इसमें अपने खेतों में मिलाएं। किसी विशेषज्ञों के अनुसार दलहनी फसल को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, इसमें उसके जड़ तने और पत्ती ये सब जमीन को मिलते हैं और जब वो सड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा खाद का निर्माण होता है। दलहनी फसल के जड़ में एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जिसे राइजोबियम कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन जीवांश और बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व का भंडार है। जब खेतों को ये मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन खाद बनता है और इस पर आप धान लगाएं बेशक अच्छा होगा, इसके बाद भी आगे आने वाली 2-3 फसलों तक इसका प्रभाव दिखता है। ये ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक खेती भी किया जा सकता है और ऐसे भी ये मिट्टी सुधार के लिए उपयोगी है। ये आप किसान श्री चैनल पर देख रहे हैं। सभी किसान बंधुओं से आग्रह है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, अच्छी जानकारी देंगे।